एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल गीतिका ब्लॉग्स में। तो देखिए अभी हम आए हैं यहाँ पे फतेहपुर लेक में। ये उदयपुर ऐसे भी लेक सिटी कहते हैं उदयपुर को। और देखिए कितना अच्छा मौसम, सुबह सुबह देखने का नज़ारा ही एक अलग है। जबकि ये बहुत सुबह नहीं है, तब 10:30 का टाइम था, लेकिन थोड़ा क्लाउडी मौसम था, तो इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। ज़्यादा गर्मी भी नहीं एहसास हो रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखिए बहुत सुंदर नज़ारा है। और ये लेक उदयपुर का चार जो झील है, चारों झीलों में से एक है, और इसे शहर का गौरव माना जाता है। और ये फतेह सागर के नाम से जाना जाता है। और फतेह सिंह द्वारा वर्ष 1678 में ये बनाया गया था। तो बहुत ही सुंदर ये झील है, फतेह सागर झील। और जब भी कोई उदयपुर आता है तो ये झील तो ज़रूर देखता है। बहुत सारे झील है, चार झील है उदयपुर का, मतलब लेक सिटी कहा जाता है। इतने सुंदर सुंदर लेक है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको लेक सिटी भी कहते हैं उदयपुर को। और ये है फतेह सागर लेक, बहुत ही सुंदर इसका नज़ारा। तो अभी हम बोट में चढ़े थे, और स्पीड बोट भी यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर लगा स्पीड बोट में चढ़ने, क्योंकि बहुत स्पीड थी बोट की, तो मैं थोड़ा डर रही थी। तो इसलिए हम लोग ये जो नॉर्मल सी बोट चलती है, तो इसी में हम घूमने चले गए। और बहुत ही अच्छा नज़ारा था। और कोविड के बाद ये हमारा सोलो ट्रिप था, तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा। इतने दिन बाद बाहर ऐसे में गई थी हम, एक बार मेरे ससुराल गए थे और मायके गए थे, वहाँ भी गए थे, लेकिन ऐसे बाहर घूमने हम फर्स्ट टाइम कोविड के बाद। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और दिलकश नज़ारा देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहा था। चारों ओर झील तो देखने ही लायक था, बहुत ही सुंदर झील था ये। मतलब कोई अगर बोलेगा कि हमें ये हमारा सेकेंड टाइम था उदयपुर, इससे पहले भी हम एक बार उदयपुर घूम चुके हैं, तो कोई अगर बोलेगा कि थर्ड टाइम भी जाना, तो हम ज़रूर इस जगह के लिए हाँ करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा था। और देखिए अभी हम आ गए हैं यहाँ पे लंच करने,
पास में ही एक रेस्टोरेंट थी, वहाँ पे हम पूरा टिपिकल जो राजस्थानी प्लेट है, जो राजस्थानी थाली, वो हम लिए थे। और इतनी टेस्टी दोस्तों खाना था यहाँ का कि हम क्या बोले आपको, बहुत ही टेस्टी। और एकदम गरम गरम तावा रोटी एकदम सेंक के ले आ रहे थे, और एकदम गरम गरम खाना था, और टिपिकल राजस्थान का जो फ्लेवर होता है वो था। और हमने दाल बाटी चूरमा भी खाए, बहुत अच्छा लगा था दोस्तों। तो अभी हमारा लंच हो रहा था, ये देखिए ये थाली आ गया हमारा। और उसके बाद ही फिर हम आ गए थे यहाँ पे शाम का जो नज़ारा है वो देखने, क्योंकि हमें बहुत सारे फ्रेंड हमारे बोले थे कि जब भी आप फतेह सागर लेक जाइएगा तो वहाँ पे जब भी आप जाए तो शाम का जो नज़ारा है उसका लुत्फ ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है। और वाकई में शाम का जो यहाँ का नज़ारा था देखने लायक था, बहुत ही अच्छा एक एहसास हो रहा था ना। तो हम काफ़ी देर हम बोल सकते कि मैं सारा दिन जो है 6 बजे तक वहाँ पे हमने स्पेंड किया था, बहुत अच्छा लगा था। और हमारे जहाँ हम रुके थे होटल में, वहाँ से 2 किलोमीटर फतेह सागर लेक वहाँ से, क्योंकि उदयपुर बहुत बड़ी सिटी तो नहीं है, छोटी सी सिटी है और नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छी सिटी है। और यहाँ पे एक पार्क थी उसके सामने ही, एकदम बिल्कुल ही लेक के सामने, तो वहाँ पे हम बैठ के थोड़ा नज़ारा देख रहे थे वहाँ का शाम का। और बहुत सारी शूटिंग भी चल रही थी वहाँ पे, और ऐसे में भी यहाँ पे उदयपुर में बहुत सारी फिल्म की शूटिंग होती है। और ये जवानी है दीवानी जो रणबीर कपूर और दीपिका की जो मूवी थी वो भी यहाँ पे शूटिंग हुई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे बैठ के, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है दोस्तों, तो अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। और मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Thank you.